हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। चलिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है कुछ उबले हुए आलू। हम उबले हुए आलू से ब्रेकफास्ट बनाएंगे। इसे हम अच्छे से मैश कर देते हैं। ये ब्रेकफास्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही कम मेहनत में बन के तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि हम बहुत ही कम ऑयल इसमें यूज करेंगे। पहले अच्छे से हम मैश कर देंगे, इसमें लम्स नहीं रहने देंगे। इस तरीके से हम अच्छे से मैश कर देंगे। देखिए आलू हमने मैश कर दिया। अब हम इसमें एक बाउल आटा डालेंगे। जितना आपको ब्रेकफास्ट बनाना हो ना, उतना आप आटा ले लीजिएगा। आधा चम्मच से कम हम हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड करेंगे। एक चम्मच के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे। अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हम इसमें अभी पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे क्योंकि उबला हुआ आलू है ना, इसी से हम गूनेंगे। इस तरीके से हम सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पहले जैसे हम आटा गूनते हैं ना, उसी तरह हमें गूनना है। ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ज्यादा हार्ड भी नहीं। ये देखिए अभी हमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। बहुत ही थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। हमें एकदम ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये गीला हो जाएगा, फिर हमें आटा और मिलाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से हमें गूंदना है। देखिए इसमें हमने प्याज नहीं डाला, प्याज भी डाल लीजिएगा बारीक काट के, उससे ना स्वाद इसका और बढ़ जाएगा। हम बिना प्याज का बना रहे हैं। क्या आटा हमने गूंद लिया है, हमें इसी तरह रखना है। ये देखिए बिल्कुल ये ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। अब हम चकला लेंगे, हम सूखा आटा लेंगे थोड़ा। अब इतना हम आटा लेंगे, इस तरीके से बना के, देखिए इस तरीके से बना के हमें सूखा आटा लगा लेना है। इस तरीके से करके हमें इसको रोटी की तरह बनाना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसी तरह। हमें हल्के हाथ से ही बनाना है, ज्यादा हम प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो ये ना टूटने लगेगा। अच्छे से हमें इस तरीके से सूखा आटा लगा के हल्के हाथ से इसे बनाते जाना है। देखिए पहले हमें रोटी की तरह इस तरीके से बना लेना है। अब हम ब्रश की मदद से ऊपर से ऑयल लगाएंगे, चारों तरफ अच्छे से हम ऑयल लगाएंगे। देखिए ऑयल लगा के इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले एक साइड फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से और ऑयल लगाएंगे। इधर भी फोल्ड करके ऊपर से ऑयल लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे। अब हम इसमें सूखा आटा लगा के इसे बेलेंगे। इस हल्के हाथ से ही हमें बनाना है, ज्यादा हमें प्रेस नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से देखिए, बस हम इतना ही रखेंगे। गैस पे हमने फ्राई पैन रख दिया है, फ्राई पैन गरम हो गया है। अब हम इसमें ऑयल लगा देंगे अच्छे से चारों तरफ, आटे को डाल देंगे। गैस हमें मीडियम करके अब एक तरफ हम पकने देते हैं। देखिए एक तरफ पक गया है, अब हम दूसरी तरफ इसे पलटेंगे। अभी हम ऑयल लगा देंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे ना ये पराठा, बहुत ही बढ़िया, ये खाने में स्वाद लगेगा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम मेहनत में बन के तैयार हो जाएगा। इस तरफ भी हम ऑयल लगा देंगे, उलट पुलट करके अच्छे से हम पकाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये फूल रहा है ना। अच्छे से हम उलट पुलट करके इसे सेक लेंगे, बिल्कुल ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। कॉर्नर में इस तरीके से करके हम दबा देंगे कि ये कच्चा नहीं रहेगा।
देखिए अच्छे से ये पक गया है, बिल्कुल ये कच्चा नहीं है। इसी तरह हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए आप इस तरीके से झटपट ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, आलू का पराठा बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज्यादा। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ खाइए या टमेटो सॉस के साथ खाइए। अगर आपको और भी ब्रेकफास्ट की रेसिपी देखनी है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।